हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी वीडियो। तो कभी कभी क्या होता है ना कि वही रेगुलर वाली दाल सब्जी से हम बोर हो जाते हैं, मन होता है कुछ अलग सा ट्राई किया जाए। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और आप इसे आसानी से बना सकते हैं कभी भी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर को कद्दूकस कर लिया है, यानी कि बारीक से घिस लिया है। और इस घिसे हुए पनीर में हम ऐड कर देंगे एक प्याज को बारीक से काट कर, साथ ही आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसमें, और उसके साथ ही कुछ और मसाले। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी और बहुत छोटी सी वीडियो है, पूरा ज़रूर देखिएगा। तो पनीर में बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, और साथ ही थोड़ा सा काला नमक, और इसके साथ ही सादा नमक। तो पनीर को बस इस तरीके से हमें सभी चीज़ डालकर मिक्स कर लेना है। तो दबा दबा कर पनीर को मिक्स नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथ से इसे मिक्स करना है, ताकि बस सारी चीज़ें इसमें हल्के से मिक्स हो जाए। और आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और धनिया की पत्ती भी ऐड कर सकते हैं, मैंने अभी नहीं डाला है। तो बस रेडी है हमारा ये पनीर का मिक्सचर। हम लेंगे आटे की लोई और उसमें ये पनीर वाला मिक्सचर 1 से 2 चम्मच लगभग भर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। तो बस 1 से 2 चम्मच पनीर का मिक्सचर हम इस आटे की लोई में भर देंगे और इसे इस तरीके से घुमाते हुए बंद कर देंगे, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगा कर इसे हम बेल लेंगे। तो हल्के हाथ से इसे बेलना है, और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला, मीडियम थिकनेस का इस तरीके का पराठा हम बना लेंगे। तवे पर डालेंगे पराठा, और पराठे के साथ ही ऑयल इसमें हम डाल देंगे, ऑयल या घी जिसमें आप सेकना चाहते हो। तो पराठे को पलटने से पहले ही इस तरीके से जब ऑयल डाल देते हैं और तब पराठे को उलट पलट करके सेकते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से ये पराठा सिक जाता है, एकदम क्रिस्पी सा बनता है। तो एक बार इस तरीके से आप पराठे को सेक कर देखिए, बहुत टेस्टी पराठा बनेगा इस तरीके से सेकने पर। नॉर्मली पराठा को जब हम पलट देते हैं एक तरफ सेकने के बाद, तब ऑयल ऐड करते हैं, और इस तरीके में हमें पराठा डालते ही ऑयल डाल देना है और तब इस तरीके से सेक लेना है। तो बिल्कुल जैसे ढाबे रेस्टोरेंट में जो पराठा बनता है, उस तरीके का ये पराठा सिक जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ये पनीर का पराठा, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर मेरे बेटे की पसंद की ये रेसिपी है। तो ये जो पनीर पराठा है, इसे आप सुबह नाश्ते में, रात के खाने में, या बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत टेस्टी ये पराठा बनता है। रेसिपी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक से ज़रूर कीजिएगा।